एवरीवन, वेलकम टू मुसाफिर अमित। मैं रात को ट्रेन पकड़कर थोड़ा दूर सफ़र में मैं निकल गया बहुत दिनों बाद, और आज पहुंचा हूं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी तमिलनाडु के, सिटी जिसका नाम है कुंभकोणम। कुंभकोणम तंजावुर डिस्ट्रिक्ट का सिटी है और तमिलनाडु के एक सबसे मुख्य टेंपल टाउन्स में से एक। टेंपल टाउन यानी कि ऐसा शहर जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा एक्टिविटी किसी महत्वपूर्ण मंदिर के अगल बगल ही निर्भर करता है, उसी पर चलता है। जैसे मदुरई, जैसे तंजावुर, ये टेंपल टाउन्स हैं, उसी तरह कुंभकोणम भी तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध टेंपल टाउन है। हमारे से 400 किलोमीटर की दूरी थी, रात को मैं पहुंचा, थोड़ा देर यहाँ रेस्ट किया और मैं अभी सुबह पहुंच चुका हूँ कुंभकोणम के सबसे मेन जगह पर, जहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुंभकोणम का नज़ारा। अगर मैं बोलता हूँ कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो आपके मन में एक ही आंसर आएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर काशी में। लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए और सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था कि एक काशी विश्वनाथ कुंभकोणम में भी एग्जिस्ट करता है। यही है काशी विश्वनाथ मंदिर कुंभकोणम। देखिए कुछ ऐसा है, मुझे जितना तमिल पढ़ने आता है वहाँ लिखा हुआ है श्री काशी विश्वनाथ स्वामी समथिंग, उसके बाद ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। दोस्तों, कुंभकोणम एक बहुत ऐतिहासिक शहर है। ये इतना ऐतिहासिक शहर है कि इसने कुछ महान साम्राज्यों का हिस्सा भी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जैसे ये कभी चोल साम्राज्य के अधीन था, महत्वपूर्ण केंद्र, फिर ये कभी विजयनगर एम्पायर का भी हिस्सा रहा। इसके साथ साथ इसने हैदर अली, टीपू सुल्तान के वो कब्जा और इन्वेजन का जो दंश है वो भी झेला है। फिर इसने आर्थिक प्रगति का भी जो शिखर होता है वो भी चूमा है। ये शहर कई कहानियाँ, कई इतिहास अपने में समेटा हुआ है, और इस पूरे इतिहास के कालखंड में, इस पूरे शहर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, जिसके
जिसके किस्से, जिसकी कहानियाँ और जिससे जुड़ी कथाएँ बहुत वर्षों से प्रचलित हैं, वो है इसका एक तालाब जो शहर के बिल्कुल केंद्र में है और इसका नाम है महामहाम टैंक, और महामहाम तालाब भी बोल सकते हैं आप इसको। अभी फ़िलहाल मैं इसी तालाब के किनारे सीढ़ी पर बैठा हुआ हूँ। महामहाम तालाब से जुड़े हुए दो किस्से बहुत फेमस हैं। पहला कि महामहाम इतना पवित्र तालाब माना जाता है कि इसी के नाम पर एक 12 वर्ष में एक उत्सव ऑर्गेनाइज होता है जिसे महामहाम उत्सव कहा जाता है, और ये उत्सव इतना भव्य होता है जैसे हमारे उत्तर में कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है, बिल्कुल कुछ उसी तरह का दृश्य यहाँ होता है। महामहाम मेला देखने लायक और अपने आप में बहुत यूनिक मेला होता है, यूनिक उत्सव होता है। महामहाम एक और वजह से फेमस है, और वो है क्योंकि इसकी पवित्रता इतनी अच्छी थी और इतना महत्व था भारतीय हिंदू कल्चर में, इसलिए विजयनगर एम्पायर के एक बहुत फेमस किंग जिनका नाम था श्री कृष्ण देव राय, वो यहाँ पर अपने कालखंड में अपने राज साम्राज्य के समय वो इस तालाब में पधारे थे और खुद स्नान भी किए थे और उस महामहम उत्सव का हिस्सा बने थे। तो ये कृष्ण देव राय जैसे राजा भी इस महामहम तालाब में नहाए हैं। हर कोई यहाँ जो आता है वो इस तालाब में ज़रूर नहाता है। मैं भी आया हूँ, मैं भी जा रहा हूँ आज नहाने इसमें महामहम तालाब में। मैं नहाऊँगा फिर यहाँ से निकलूँगा, कुछ मंदिर और हैं यहाँ पर वो देखेंगे और उसके बाद चलेंगे अगले डेस्टिनेशन की ओर। चलिए मैं जा रहा हूँ नहाने महामहाम तालाब में, जो कि पूरे इतिहास का बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पवित्र तालाब में से एक है। रेंड हाँ फ्रेश है ना, ये ताड़ फल, ताड़ जो होता है उसके फल के अंदर का क्या बोल सकते हैं, इसके फल का मुलायम हिस्सा है, जैसे नारियल का होता है वैसे ताड़ का होता है। हल्का अजीब सा टेस्ट होता है लेकिन शरीर के लिए अद्भुत और बहुत बहुत फायदेमंद, इसलिए मैं लिया। मात्र 10 रुपये में दो और बहुत सस्ता है, हमारे तरफ तो महंगा है, उधर जिधर कन्याकुमारी में मैं रहता हूँ उधर बहुत महंगा है। फॉर मॉर्निंग बेस्ट थिंग टू ईट। महामहाम में स्नान करके मैं वहाँ से निकल गया हूँ, और कुंभकोणम में ही कुछ और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मैं उसी में से एक और मंदिर की तरफ जा रहा हूँ और पहुँच गया हूँ। इस मंदिर का नाम है सारंगपानी मंदिर, बहुत ऊंची मंदिर है और बहुत भव्य मंदिर है। कुंभकोणम आए तो सारंगपानी मंदिर ज़रूर आना चाहिए, इसलिए लोगों ने मुझे बोला था तो मैं भी आ गया हूँ सारंगपानी मंदिर। चलिए मैं दिखाता हूँ सारंगपानी मंदिर कैसा है और कैसा दिखता है ये भव्य मंदिर। ये है सारंगपानी मंदिर के रथ का पहिया, और ये है रथ, विशालकाय रथ है। देखिए कितने सुंदर लकड़ी की शिल्पकारी, और एक बहुत ऊंचा, मैं आज तक इससे ऊंचा रथ कभी नहीं देखा था, ये बहुत ऊंचा रथ।
यहाँ पर बनाया गया है। अद्भुत। ये रथ, जब यहाँ का रथ फेस्टिवल होता होगा, चैरियट फेस्टिवल उसको बोलते हैं, उस समय ये रथ चलता होगा मंदिर के चारों ओर। मंदिर के चारों ओर एक रास्ता होता है, उसी में ये रथ को एक साल में एक बार चलाया जाता है। हमारे कन्याकुमारी में मैं देख चुका हूँ पहले, और सच में देखने लायक एक दृश्य होता है। काफ़ी भीड़ होगी और लोग इसको खींचते हैं। इतने बड़े रथ को खींचना सच में एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये जब होता होगा तो बहुत देखने लायक दृश्य होगा, होता होगा। अद्भुत। देखिए मंदिर कुछ यहाँ है। ये है सारंगपानी मंदिर।